हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 चेस्ट का प्रिंसेस कट के हम कटिंग देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये ब्लाउज पीस लिया है। तो पहले तो हम इसको पेपर पर कटिंग करते हैं। पहले तो हम ब्लाउज़ की लंबाई नापते हैं। तो लंबाई है हमारी 13.5 इंच, तो हम 1 इंच इसमें प्लस करते हैं, 14.5 इंच हमने लंबाई ली है। तो हमारा चेस्ट है 38 इंच, तो उसका 1/4 निकलता है 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं। तो 2.5 इंच पे हमने ये गले का मार्क करना है। 5.5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। चेस्ट का 1/4 हम 9.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच प्लस हम सिलाई मार्जिन के लिए लेते हैं। गला है हमारा फ्रंट नेक 6 इंच, तो हम 6.5 इंच लेंगे। यानी कि तैयार गला ब्लाउज पर है 6 इंच, तो हम 6.5 इंच लेंगे। 1/2 इंच सिलाई के लिए लेना पड़ता है। यहाँ से भी हम 2.5 इंच। इसको हम इस तरह से बॉक्स बनाते हैं। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच पे। यहाँ से भी हम 5.5 इंच, जैसे यहाँ पे हमने 5.5 लिया था, यहाँ भी हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं। ऐसे सीधा बॉक्स बना देंगे। आर्मोल की गोलाई देंगे फ्रंट साइड की 1.5 इंच पे और बैक साइड की 2 इंच पे। तो यहाँ पे हम आर्मोल का शेप देते हैं। गले का निशान लगाते हैं हम 1/4 इंच पे। यहाँ पे हम शोल्डर का सेंटर निकालते हैं। सेंटर से बिल्कुल सामने यहाँ पे एक निशान लगाते हैं। यहाँ से हम 4.5 इंच पे एक सीधी लाइन लगाएंगे। 4.5 इंच पे एक निशान लगा के सीधी लाइन लगाते हैं। यहाँ से हम 1/4 इंच लेंगे और इस साइड से भी हम 1/4 इंच लेंगे। तो ये 4.5 इंच का हमने ये लाइन लगाई है सीधी। ये सीधी हम आर्मोल में ज्वाइन करेंगे। यहाँ से जो हमने सीधी 4.5 इंच पे एक निशान लगाया था, और ये लाइन हम सीधी आर्मोल में ज्वाइन करेंगे। और ये जो 1/4 इंच के हमने निशान लगाए हैं, उसको हम ये 4.5 इंच में मिलाते हैं। ये दोनों इस साइड का भी और इस साइड का भी हम ये दोनों पॉइंट ये 4.5 इंच में मिलाते हैं। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। पहले हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट साइड का आर्मोल, उसकी भी कटिंग करते हैं। गले की कटिंग करेंगे। यह हमारी बैक साइड, ये फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड की कटिंग हम इस तरह से करते हैं। इसका हमने ये 1/4 इंच बढ़ाया था, इसको हम कट करेंगे। इस तरह से। अब ये जो दोनों पार्ट हैं, ये दूसरे पेपर पर बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ से हमने दोनों साइड से 1/4 इंच बढ़ाया था, तो इसका दूसरे पेपर पर हम इसके अपोजिट साइड से 1/4 इंच बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ से, जैसे ये इस साइड से बढ़ाया था, तो उसके अपोजिट साइड से यहाँ से बढ़ाएंगे और इस साइड से यहाँ से बढ़ाते हैं। तो दूसरे पेपर पर कैसे बढ़ाते हैं ये देखते हैं।
ये जैसे हमने दूसरा पेपर लिया है, इसको हम यहाँ पे सवा इंच लेंगे, सवा इंच पे हम एक निशान कर लगाते हैं, और यहाँ पे जैसे कि इस साइड से बढ़ाया था अब इस साइड से बढ़ाएंगे, तो ये इसको क्रॉस में रखना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्रॉस में इसको बढ़ाना है। तो ऊपर के साइड से नहीं बढ़ाते, नीचे के साइड से ही बढ़ाते हैं। तो यहाँ ये जैसा है वैसा ही हम पहले निकालते हैं। अब इसके हम कटिंग करेंगे। इस तरह से आता है, जैसा दूसरा पार्ट भी है उसको भी जैसे इस साइड से बढ़ाया था इसके अपोजिट साइड से ही इसको बढ़ाएंगे। जैसे ये भी हम इसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम सवा इंच पे एक मार्किंग करेंगे, और ये भी इस तरह से क्रॉस में रखते हैं ऐसे। ये ऊपर के साइड से नहीं बढ़ाना है, ये सीधा यहाँ पर ही बढ़ाना है। तो ये जैसा है वैसा ही पहले हम निकालेंगे। अब इसके हम कटिंग करते हैं। तो ये इस तरह से आएगा। इस तरह से आएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स के लिए हमने ये डबल पेपर लिया है। स्लीव्स की लंबाई है हमारी 5 इंच, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 6.5 इंच। आर्मोल लिया है, जैसे ये आर्मोल होता है, ये आर्मोल लिया हमने 6 इंच, तो उसमें 2 इंच प्लस करना पड़ता है, यानी कि 8 इंच। जैसे आर्मोल है हमारा 6 इंच, तो उसमें 2 इंच प्लस किए 8 इंच। यहाँ पे हम सीधी एक लाइन लगाते हैं। यहाँ पे हम 3 इंच पे एक निशान लगाते हैं। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे सीधा, और यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे सीधा। अब इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये दोनों में 1 इंच का अंतर होना चाहिए। अब इसके हम कटिंग करेंगे। आधा इंच का हम बाजू को तिरछा कट देते हैं। इस तरह से ये बाजू की कटिंग हो गई है। अब जो बैक साइड का गला है वो है हमारा 8 इंच, तो तैयार 8 इंच है, तो हम 8.5 इंच लेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं। यहाँ से हम
सीधा इस तरह से इसका बॉक्स बनाते हैं। अब जब बैक साइड का गला जब हम कटिंग करते हैं तो ये आधा इंच बाहर की साइड से इसको लेके इस तरह से इसको गले का शेप देना है। अब इसकी कटिंग करते हैं। अब ये 38 चेस्ट का प्रिंसेस कट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम ब्लाउज पीस पर कैसे कटिंग करते हैं ये अगले वीडियो में देखते हैं।